हेलो दोस्तों, आपका ई लर्निंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको स्क्वायर में काउंट ट्राइंगल कैसे करते हैं वो आपको आज मैं बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन एक स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है? ये अपना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें अपन को काउंट करना है कितने इस स्क्वायर में कितने ट्रायंगल है। तो अपन को ऐसे काउंट करना है, सबसे पहले अपन को इसमें मार्किंग कर देनी है कि कितने इसमें डब्बे बन रहे हैं, जैसे 1, 2, 3 और 4। तो अपन को याद रखना है 4, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितने हो रहे हैं 8। ये हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन लेके मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेकंड ये ट्राइंगल इसको ले लिया, ठीक है? इसमें अपन क्वेश्चन बना देता हूँ। ये है, तो अपन को इसमें पहले मार्किंग कर देनी है, ठीक है? इसे मार्किंग कर दी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अपन को सीधे याद रखना है कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। 6 बन रहे, 6 काउंट हो गए, 6 × 2 कितने हो गए, 12। ये अपना आंसर है, ठीक है दोस्तों? तो वापस बता देता हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसको सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 है। ये अपन का आंसर है, ठीक है? मैं अपन आपको एक होमवर्क के लिए बता रहा हूँ क्वेश्चन, जो जिसका आप सॉल्व करके उसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है? मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? चलो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं आगे आपके लिए बहुत सारी ट्रिकी वीडियो लेके आऊँगा, तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता कि। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।